इस बीच में बहुत ट्विस्ट टर्न है, आपको ऐसा लगेगा कि अब भी लव स्टोरी इनकी ब्रेक, मतलब अभी अलग हो जाएंगे तब भी वो अलग हो जाएंगे तब भी वो अलग हो जाएंगे, लेकिन एंड में जब वो अलग हो जाते हैं तो आपको बहुत तेलुगु में ब्लॉकबस्टर हुई, वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था कि हिंदी में डब हुई और हिंदी में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बहुत चलती थी फिल्म, सिर्फ ब्रह्मास्त्र आई है तो एक हफ्ते का ही गैप मिला, इस वजह से वो पिकअप नहीं होगी, लेकिन फिल्म जो है अगर आपको सच में एक बहुत अच्छी लव स्टोरी देखनी है तो आप एनी टाइम ब्रह्मास्त्र से आप सीतारामम देखो, आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। मैचिंग वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मिस कहना। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे क्रेजी गर्ल दीप्ति मैम, और इन्होंने देख लिया है पुणे में सीतारामम, दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर एंड रश्मिका मंडाना। मैडम कैसी लगी? स्टोरी बहुत अच्छी है, जब पूरा फिल्म खत्म हो जाता है उन्होंने हर एक चीज को लिंक किया है, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको एंड में जाके हर एक जब लिंक लगेगा तो मूवी और भी अच्छी लगने लगेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, बहुत दिनों बाद एक अच्छा ऐसा लव स्टोरी ऐसा आया है, बहुत दिनों बाद। मतलब मैंने बीच में जो 777 चार्ली देखी थी उसका भी एक लव स्टोरी था डॉग और इसका, तो एक बट एक लड़की के साथ जो लव स्टोरी, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो लव स्टोरी इसमें उभर के आई है। दुलकर सलमान मृणाल ठाकुर का जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छा है, और रश्मिका का है सपोर्टिंग, जितना वो करती है उतना है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का, वो उठा लेती है फिल्म को। लोकेशन सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत सूदिंग लगती है, आपको ऐसे रिफ्रेश ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसे आप ऐसे कोई तो ठंडी जगह में चले गए हो ऐसा लगेगा, मतलब बहुत ऐसे स्वीट और बहुत एंड में ना आपको रोना आता है, जब आपको एंड में समझ में आता है कि ये आपको ट्विस्ट टर्न, बीच बीच में बहुत ट्विस्ट टर्न है, आपको ऐसा लगेगा कि अब भी लव स्टोरी इनकी ब्रेक, मतलब अभी अलग हो जाएंगे तब भी वो अलग हो जाएंगे तब भी वो अलग हो जाएंगे, लेकिन एंड में जब वो अलग हो जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। तो फिल्म जो है ना वो एक्चुअली तेलुगु में ब्लॉकबस्टर हुई, वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था कि हिंदी में डब हुई और हिंदी में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फिल्म को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका काम के बारे में क्या? वो मलयालम के सुपरस्टार है, मैं एक मलयाली हूँ, मैं हमेशा उनका काम देखती हूँ, वो मम्मूटी के बेटे हैं, हमेशा 100% देते हैं, हमेशा। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक एक्टिंग में चूक गए, कभी नहीं। उनका इनोसेंस जो है ना वो इतना क्यूट लगता है, वो एक इनोसेंट लगे है, बहुत इनोसेंट, आपको उनसे प्यार हो जाएगा, ऐसा है वो। और मृणाल भी उतनी ही प्यारी लगी है, रश्मिका अपना हमेशा ही करके जो हंसती है वो ही करके हंसी है, बस उसको जितना रोल मिलना चाहिए था वो मिल गया है, बाकी वो काम चला हुआ है, वो मृणाल ठाकुर ने अच्छा काम किया है। इस मूवी में एक लेजेंड एक्टर है प्रकाश राज, छोटा ही रोल है लेकिन हाँ। क्या रोल कैसा लगा? प्रकाश राज एज यूजुअल वो कोई भी रोल में वो ऐसे एकदम जितना उनको दिया जाता है वो सब परफेक्ट 100% देते हैं और चले जाते हैं, वो ना क्रेडिट लेने के लिए रुकते हैं ना कुछ सुनने को रुकते हैं, करते जाते हैं, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये मूवी तेलुगु और तमिल मलयालम में रिलीज हुई थी 5 अगस्त को और यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद रिलीज हुई थी और अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिली, उस पे क्या कहें? ये फिल्म को और बहुत चलती थी फिल्म, सिर्फ ब्रह्मास्त्र आई है तो एक हफ्ते का ही गैप मिला, इस वजह से वो पिकअप नहीं होगी, लेकिन फिल्म जो है अगर आपको सच में एक बहुत अच्छी लव स्टोरी देखनी है तो आप एनी टाइम ब्रह्मास्त्र से आप सीतारामम देखो, आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। क्योंकि अगर आपने कार्तिकेय 2 देखा है तो कार्तिकेय 2 में वो कैसे था कि आप कृष्ण के राज जानने वाले इंसान, वैसे ही ब्रह्मास्त्र में है कि आप उस राज को जानिए ब्रह्मास्त्र का है, ये सेम स्टोरी लाइन। ये जो स्टोरी है ये एकदम अलग है लव स्टोरी, वो एंड उन्होंने सब एक एक जो भी एक क्या बोलते डॉट्स ज्वाइन किए है ना, जो भी रिवील होता है एंड में वो सब बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक ही पूरा फिल्म को इतना, अगर आप लव स्टोरी है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई भी फिल्म के लिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक हो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का, सॉन्ग्स भी सारे अच्छे हैं, फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक आगे लग के जाती है। आपको बहुत अच्छा जो टच किया नहीं, क्योंकि जो सीन्स मुझे अच्छा लगे ना वो ना रिवील कर देंगे स्टोरी को। नहीं ऑलरेडी ओटीटी पे आ चुकी है। नहीं वो मुझे जब वो तुम हो वो बेटी वो जब बोलते हैं एंड में तभी रोना आता है, फिर एंड में वो जो बोलते हैं कि आप, मैं नहीं जाऊंगा आप बाहर निकलोगे, वो मोमेंट पे रोना आता है, ऐसे हर एक चीज पे एकदम ऐसे रोना रोना आता है ऐसा। मैडम ये मूवी फिलहाल अभी भी थिएटर में बड़े स्क्रीन पर चल रही है और जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा उसे किस खास तरीके से अपील कीजिएगा ताकि ये मूवी को वो थिएटर में ही एंजॉय करें, क्योंकि थिएटर वाली मूवी है।
क्यों देखिए, आप जब टीवी पे देखते हैं तो आप क्या क्या करते, 10 बार उठते हैं चाय पीने को, कोई बेल बजाया, कोई ये किया। अगर आपको इस फिल्म से लिंक लगाना है ना तो आप स्टार्ट टू एंड देखो। आप अगर उसको में खोना चाहते हो तो आप थिएटर में ही देखो, क्योंकि एनी विच वेज आप टीवी में जब देखते हो तो उतना साउंड इफेक्ट नहीं आता है, कोई बात करता है, कोई ये कोई वो। तो कोई भी ऐसी फिल्म होती है जैसे 777 हो या सीतारामम हो, आप पूरा वो मन से अगर देखना है तो आप थिएटर में ही फिल्म देखिए। चलिए एंड में अगर इस मूवी को रेट करना हो तो 5 आउट ऑफ 5 कितना करेंगे? ऑब्वियसली मैं 4.5 दूंगी। 4.5? यस, 5 ही क्यों, मैं क्यों कम करूं, कुछ गलत नहीं है तो क्यों कम करना है। हां, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।